नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन। तारिक अनवर ने एनसीपी से इस्तीफा क्या दिया। तमाम विपक्षी दल तारिक अनवर की एंट्री को तैयार हो गए हैं। बहरहाल तारिक अनवर ने खुद कहा है कि वह अपने समर्थकों से बात करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन आज पूरे दिन जो अन्य विपक्षी दल हैं वह तारिक अनवर के इस स्टैंड की सराहना कर रहे हैं। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार द्वारा नरेंद्र मोदी के समर्थन में रफेल डील से जुड़ी एक बयान से नाराज होकर तारिक अनवर ने पार्टी से भी और लोकसभा से भी इस्तीफा दे दिया। आज तेजस्वी यादव रांची जा रहे हैं लालू यादव से मिलने। उनसे जब इस मामले में पूछा गया, उन्होंने भी साफ कहा है कि हम ज़रूर सोचेंगे, पहले तारिक अनवर खुद डिसाइड कर लें। तो यह भी माना जा रहा है कि आरजेडी की ओर से भी तारिक अनवर को हरी झंडी मिल गई है। तमाम अन्य दल तो समर्थन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ तेजस्वी भी तारिक अनवर के अंदर एक मजबूत नेता देख रहे हैं। वो सांसद थे, एनसीपी की टिकट पर जीते थे और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो सारी पार्टियां तारिक अनवर को अपने खेमे में लेने के लिए लगी हुई हैं। लालू यादव से मिलने के लिए तेजस्वी यादव जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं लालू जी से भी बात करूँगा इस मुद्दे को लेकर और उनका भी जो फैसला होगा वो सराहनीय होगा। साथ ही साथ तारिक अनवर को भी फैसला करना है कि वो आगे क्या करते हैं। बहरहाल बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं।